हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रिया खंडेलवाल प्रिया संग पूजन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सूर्य भगवान को जल कैसे चढ़ाएं इस विषय में बात करेंगे, जानेंगे। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय हमें कौन सा पात्र लेना चाहिए, कितना बड़ा पात्र लेना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इन सारी ही बातों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम गुरु जी की कथा को सुनते हैं और समझते हैं कि गुरु जी ने कथा में क्या बताया है और क्या समझाया है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए आइए पहले कथा को सुन लेते हैं। अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, क्या वो ठीक है, क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए, अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के लाओ। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भी हुए जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया कि कौन ने विपरीत करा, कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन सेवा अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा, ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज, सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है।
महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो, आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, सोन मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर किडनी हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला ढलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ तो, 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे, क्यों देते, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर, हाथ कितने इंच ऊपर, 8 इंच ऊपर होना चाहिए, जल जो गिरे सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे, जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो, और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो, सूर्य का दर्शन जल में से। 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा, आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता सूर्य को अर्घ देने, गुरुजी पंचदेव पंचायत में, सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं, सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में प्लेट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ, जरा हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार,
पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी एक लोटा पानी पकड़ा। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, एक लोटा पानी चढ़ा के। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के। नहीं, जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे, बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है भुकुटियों के बीच में, उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहाँ एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। हमने कथा को सुना और समझा। सबसे पहले गुरु जी ने बताया कि हमें सूर्य भगवान को जल 8 इंच ऊपर हाथ करके चढ़ाना चाहिए। आपकी जितनी भी हाइट हो उसका मतलब नहीं है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपका हाथ पूरा इस तरीके से ऊपर की ओर होना चाहिए। आप जितना तक हाथ ऊपर कर सकते हैं उतना हाथ आपको ऊपर करना है और फिर आपको जल चढ़ाना है। देखिए, जैसे आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं उसके बाद जो वहाँ से धारा गिरती है उस धारा से देखते हुए सूर्य भगवान का दर्शन करें। जो धारा गिर रही है उस धारा से सूर्य भगवान का दर्शन करें। तो गुरु जी ने कथा में कहा कि जब हम दर्शन करते हैं धारा के अंदर से तो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है और हमारी आँखों का जो पावर बढ़ा हुआ है वो धीमे धीमे कम होने लगता है। अब सूर्य भगवान को जो जल चढ़ा रहे हैं वो पात्र कैसा होना चाहिए? देखिए, आप जितना उठा सकते हैं, जितना ले सकते हैं उतना बड़ा पात्र आप ले सकते हैं। बहुत पात्र छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो, एक ऐसा पात्र हो जिससे आप जब धारा को गिराएं तो एक लंबे टाइम तक, थोड़े टाइम तक वो धारा गिरे और उस धारा से जब आप दर्शन करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी, आपके शरीर में जो भी बीमारियां हो रही हैं, जो आप रोग से ग्रस्त हो रहे हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा आप करें। गुरुजी ने कथा में कहा कि यदि कोई भी बच्चा 2 से 2.5 महीने तक ऐसा करता है और उसका आँखों का पावर बढ़ा हुआ है तो वो बिल्कुल अच्छे से सही हो जाएगा, उसकी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। तो यह आपने कथा में सुना। आप सूर्य भगवान को जब हम जल चढ़ा रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोले? एक तो सबसे अच्छा मंत्र है ओम सूर्याय नमः। मैं तो हमेशा ही सूर्य भगवान को जब भी जल चढ़ाती हूँ तो मैं यही मंत्र बोलती हूँ, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। ऐसे सूर्य भगवान के 12 नाम है, मैं आपको लिख दूंगी, लिस्ट बना करके आपको शो कर दूंगी वहां पर स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं। आप इन मंत्रों का जाप करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोग मुक्त हों। और जब हम तांबे के पात्र से सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है, हम रोग मुक्त हो जाते हैं। और किसी भी पात्र से सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से हमारी आयु कम होती है। तो हमेशा सूर्य भगवान को जल तांबे के लोटे से ही चढ़ाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स पर हमेशा की तरह हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।